MK677 यूज़ कर ले माइड्रोल के साथ, सर माइड्रोल तो हम ले ही रहे हैं साथ में, MK677 स्टैक कर लें, या सर ऑस्ट्रियन ले लें सर, MK2866 साथ में चला लें, माइड्रोल तो हम ले ही रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं आपके माइड्रोल और MK677 के बारे में, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, मैं आपको अच्छे तरीके से समझा देता हूँ आपको यूज़ करना चाहिए कि नहीं। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब, बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल को, चैनल को कर लें सब्सक्राइब और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त मिलती है, सभी साउंड डिस्कस कर चुका हूँ, सभी एडवांस लेवल की साइकिल्स डिस्कस कर चुका हूँ, बढ़िया बढ़िया सप्लीमेंट भी सारे डिस्कस कर चुका हूँ। तो अगर हम बात करें माइड्रोल की और माइड्रोल वर्सेस MK677, मैं आपको आंसर दे देता हूँ इस वीडियो में। MK677 जो है स्ट्रॉन्ग है, MK677 ज़्यादा बेनिफिशियल है, MK677 के साइड इफेक्ट नहीं है, ना के बराबर है, बस वहाँ पे एक ही कंडीशन है, ओवरडोज किसी भी चीज़ की साइड इफेक्ट क्रिएट कर देती है, ठीक है। तो MK677 बढ़िया रिजल्ट देता है। अगर सेफ साइड में कहूँ, क्योंकि ये मैं कंपैरिजन वीडियो डाल रहा हूँ, मैंने जैसे कहा था सीरीज डाल रहा हूँ मैं कंपैरिजन की, तो माइड्रोल और MK677 में ज़्यादा सेफली रिजल्ट कौन दे सकती है वो है MK677। मेरा ये व्यू है MK677 ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट देगी, ज़्यादा सेफेस्ट वे में, सेफ तरीके से ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट MK677 देगी। अच्छा, उसका कुछ रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। देखो माइड्रोल जो है, माइड्रोल का जो कंपाउंड है 7-hydroxyethyl कार्बोनेट एस्टर जो है वो है स्ट्रॉन्ग, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है, और वो है केमिकली सिंथेटिक फॉर्म है, कहने का ये मतलब सिंथेटिक फॉर्म है और नेचुरल चीज़ नहीं है वो, ठीक है, नेचुरल चीज़ नहीं है, सिंथेटिक फॉर्म है, स्ट्रॉन्ग है, एनाबोलिक है, बढ़िया रिजल्ट देता है, वैस्कुलरिटी बढ़ाता है, स्ट्रेंथ भी बढ़ाता है, साथ में लीवर और किडनी पे भी थोड़ा सा हार्श है, ये मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। अब उसके मुकाबले अगर हम MK677 की बात करें, वो मेनली आपका ग्रोथ हार्मोन को बढ़ाता है, पोटेंट फॉर्म ऑफ ग्रोथ हार्मोन मान लीजिए, ग्रेनलिन हार्मोन को बढ़ा के आप ज़्यादा ईट कर सकते हैं, ज़्यादा गेनिंग के टाइम अगर इसको आप यूज़ करें MK677 को, तो ज़्यादा बेनिफिट देता है। इवन कुछ PCTs हैं, मैं उसकी वीडियो बना लूँगा, PCT में भी कहीं जगह MK677 यूज़ किया जा सकता है ईजिली और बेनिफिट देगा। और जो लड़के कहते हैं ना सर हमने ये साइकिल चलाई उसके अब बेनिफिट रहेंगे रुकेंगे, हमने इतना पैसा खर्च दिया सर अब उसके बेनिफिट नहीं रुक रहे, पिछली बार चलाई थी सर सारे बेनिफिट चले गए, मसल मास 17 इंच का बाइसेप हो गया था, वापस वहीं चला गया जितना पहले था साइकिल में, तो वहाँ पे भाई MK677 आपको वो बेनिफिट दे सकता है मसल मास को होल्ड करने का। चलो वो तो एक अलग टॉपिक है, अलग वीडियो बना दूंगा उस पे, पर MK677 ज़्यादा बेनिफिशियल है माइड्रोल के मुकाबले। अब अगर माइड्रोल का प्राइस देखें तो वो आपको 2500 के रुपए के बीच में मिल जाती है, पर जो MK677 है उसका प्राइस करता है वेरी, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है फ्रेंड। कुछ कंपनियाँ 2500 में भी दे रही हैं, 2200 में भी दे रही हैं, कुछ ऐसी कंपनियाँ, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता आप जानते हैं, 2200 में भी दे रही हैं और 5500 तक इसका प्राइस जो है डिफरेंट कंपनियाँ दे रही हैं। बढ़िया कंपनियां हैं, मैं कहूँगा बढ़िया कंपनियां ही यूज़ करें, ठीक है, वहाँ पे आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, साइड इफेक्ट ना के बराबर मिलेगा, बढ़िया प्रोडक्ट को चूज़ करें, मैं ये कहूँगा। और दोनों में स्ट्रॉन्ग क्या है, MK677 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। माइड्रोल का एक कैप्सूल आप मॉर्निंग में ले सकते हैं, ये इसकी डोज मैं बता रहा हूँ, ओवरडोज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 1-4 वीक यूज़ कर लिया उसके बाद फिर से यूज़ करना है तो भाई आप 40-45 days का गैप दीजिए, उसके बाद माइड्रोल फिर से यूज़ कर लीजिए। MK677 थोड़ा जल्दी भी यूज़ किया जा सकता है, MK677 के साथ आपको साइड इफेक्ट वगैरह ना के बराबर है, पर भाई अगर आप ओवरडोज करते हो वाटर होल्ड करना शुरू कर देगी, बॉडी पफिनेस सी आ जाएगी, ब्लॉटिंग सी आ जाएगी, आपको हो गए पता नहीं MK677 नकली देती, नहीं भाई ओवरडोज करोगे आपकी बॉडी के मुकाबले मुताबिक होती है डोज, अगर आप ओवरडोज करते हो वहाँ पे आपको बेनिफिट नहीं मिलते। बेनिफिट क्या, ऊपर से अगर वाटर वेट बॉडी होल्ड करने लग पड़ेगी, क्योंकि आयनिक इनबैलेंस क्रिएट करती है बॉडी जब MK677 की डोज बढ़ाई जाती है, तो उसके कारण पफिनेस सी आ जाएगी बॉडी में और आपको लगेगा प्रोडक्ट नकली है, पर नहीं भाई MK677 ओरिजिनल है, आपको यूज़ करने का तरीका नहीं आता। इसीलिए मैं कहता हूँ बढ़िया कोच, एक्सपीरियंस वाला कोच ज़रूर रखें ताकि इन सारी चीज़ों के बेनिफिट आपको मिल सके। तो मेरा व्यू, मेरा एक्सपीरियंस क्या कहता है, MK677 ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट देती है कम साइड इफेक्ट में, साइड इफेक्ट की कंडीशन वही है, ओवरडोज करोगे तो भाई किसी भी चीज़ की साइड इफेक्ट तो ज़रूर मिलेगा। वहाँ पे माइड्रोल जो है इतनी ज़्यादा सेफ नहीं है, सेफ़ है पर अगर कंपैरिजन वीडियो है तो MK677 ज़्यादा सेफ है, ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट देती है, महंगी है थोड़ी सी फ्रेंड्स पर ज़्यादा बढ़िया है।
आप MK677 को यूज़ कर सकते हैं। दूसरा एक और कंपैरिजन बता दूँ, माइड रोल के साथ गेन होल्ड किए जा सकते हैं, बिल्कुल गेन होल्ड किए जा सकते हैं, और MK677 के साथ गेन होल्ड किए जा सकते हैं बिल्कुल। दोनों में से ज़्यादा बढ़िया गेन्स को होल्ड कौन रख सकता है? MK677। वो मैं एक और वीडियो में डाल दूंगा, पर इस वीडियो में मैं यही बता रहा हूँ, ज़्यादा बढ़िया तरीके से अगर आप चाहते हो साइकिल के बाद भी गेन्स होल्ड रहे हैं आपके, जितना मसल साइज गेन किया है, MK677 ज़्यादा बेनिफिशियल है माइड रोल के मुकाबले। ठीक है, वो पर एक अच्छे तरीके से अच्छे वीडियो में बता दूंगा। ये कंपैरिजन मैंने तीन बताए हैं, मेरे पॉइंट जो है, मेरा रिव्यू, मेरा एक्सपीरियंस कहता है MK677 ज़्यादा बेनिफिशियल है। थोड़े से पैसे खर्चिए और उसका अपना बजट बनाइए, वो यूज़ करिए। हाँ, पर कोच बढ़िया रखिए ताकि आपको इन्फॉर्मेशन बढ़िया मिले और बढ़िया बढ़िया रिजल्ट मिले MK677 के साथ, और साथ में कुछ प्रिकॉशन जो लेने हैं वो भी आपको पता लग जाए। ठीक है फ्रेंड्स, कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में लिख देना, वीडियो को कर लेना लाइक शेयर सब्सक्राइब, और जो भी ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम आईडी है JohnnyKingAlpha। लव यू फ्रेंड्स, बाय।